खरगोन के सुप्रसिद्ध एवं अति प्राचीन धार्मिक स्थलों में शुमार श्री दामखेड़ा नाग मंदिर स्थल जाने वाली सड़क कई वर्षों से बदहाल है। यहां जिले भर के श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं, जिन्हें आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मंदिर समिति अध्यक्ष नवनीत भंडारी ने बताया कि शहर की औरंगपुरा से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर सनातनियों की आस्था का केंद्र है। यहाँ तीज त्योहारों के साथ आम दिनों में भी आवाजाही बनी रहती है। इतना ही नहीं, इस मार्ग पर चर्च दारुल उलूम होने से इसे सद्भावना मार्ग भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो यह है कि विगत कई वर्षों से सड़क जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय पदाधिकारियों के उदासीन रवैये के कारण बदहाल है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे व उबड़ खाबड़ रास्ते के कारण यात्री वाहन दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, लेकिन गाहे बगाहे भी इस महत्वपूर्ण सड़क के मरम्मत को लेकर विभागीय पदाधिकारियों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं पड़ती। कई जगह गंदा पानी कूड़ा करकट जमा रहता है, जिसको लेकर मंदिर समिति ने पहुंच मार्ग दुरुस्ती की मांग की है। तो लेकर मेरा प्रधान से निवेदन है कि यहाँ दारुलोम है, चर्च है, दामखेड़ा नागराज मंदिर ट्रस्ट है, आम जनता रोज मंदिर दर्शन करने के लिए आती जाती है, बड़े बड़े पानी के गड्ढे हो रहे हैं। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है, इस मार्ग को तुरंत दुरुस्त किया जाए ताकि एक्सीडेंट होने से आम जनता पब्लिक बचे। रणगांव विरोधी लोगों का जाने आने का रात दिन का मार्ग है, मतलब सब यहाँ से निकलते हैं। बड़े बड़े गड्ढे होने के कारण बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन है, इस मार्ग को तुरंत नवीनकरण किया जाए या पेज वगैरह करें, उसको जो व्यवस्था हो सके वो तुरंत कराई जाए, मतलब आम जनता को कोई परेशानी नहीं हो। क्या नाम लिखता? नवनीलाल भंडारी, रामखेड़ा मंदिर अध्यक्ष, खरगोन से प्रदीप खेड़े की रिपोर्ट।